ट्रैवल ब्लॉग्स फूड ब्लॉग्स या फिटनेस ब्लॉग्स अगर आप एक ब्लॉगर हैं तो आज की ये वीडियो आप ही के लिए है इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से पिंटरेस्ट को यूज कर कर आप अपने ब्लॉग्स पर बहुत सारी ऑडियंस लेकर जा सकते हैं हेलो एवरीवन आई हरमीत वेलकम यू ऑल ऑन WS क्यूब टेक इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप एक ब्लॉगर हैं इट मैटर आप किस तरह के ब्लॉग्स लिखते हैं अगर आप हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग्स लिखते हैं या फिटनेस को लेकर या फिर फोटोग्राफी से रिलेटेड कुछ टिप्स वाली ब्लॉग्स लिखते हैं या फिर फूड रेसिपीज आप पोस्ट करते हैं राइट सो इट डजेंट मैटर किस तरह की आप ब्लॉग्स लिखते हैं अगर आप एक ब्लॉगर हैं एंड यू आर सीरियस अबाउट योर ब्लॉगिंग एंड इफ यू वॉन्ट टू इंक्रीज योर एंगेजमेंट्स ऑन योर ब्लॉग्स अपने ब्लॉग्स की जो वेबसाइट है या अपने कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है उसको अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस वहां पर चाहते हैं तो प्रिंटर्स कुड बी अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू आप बहुत अच्छा यहाँ पर आ, अपने ब्लॉग्स को प्रमोट करते हैं इवन ब्लॉग्स को ही नहीं आपने अपने जो वीडियो ब्लॉग्स होते हैं व्लॉग्स जिन्हें कहा जाता है उन्हें भी आप बहुत अच्छा प्रमोट कर सकते हैं राइट सो so, यहाँ पर हमारा खुद का एक डब्ल्यू एस क्यूबेक ब्लॉग्स नाम से वेबसाइट है जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ब्लॉग्स हैं राइट right? वो यहाँ पर शेयर करते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड सो so, इसीलिए मैंने उसी नाम से एक नया अकाउंट बनाया है सो दैट आई कैन शो यू एक नया अकाउंट को हम किस तरह से यहाँ पर ऑप्टिमाइज करेंगे अगर हम बात कर रहे हैं एज अ ब्लॉगर ठीक है चलिए तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये यह अकाउंट बना दिया है यहाँ पर मैंने कवर पेज है तो कुछ ब्लॉगिंग से रिलेटेड आप कवर पेज अपना कर सकते हैं राइट right? अच्छा मैं आपको चीज बता बता दी कि अगर मान लीजिए आप कवर फोटो नहीं लगाते हो तो क्या होगा कवर फोटो जब आप नहीं लगाओगे तो यहाँ पर ये जो कवर फोटो है ना पिंट्रेस्ट खुद ही एक अपना कवर पेज बना देगा वो क्या करेगा आपके जो भी यहाँ पर आपने कॉन्टेंट बनाया हुआ है जो भी कॉन्टेंट सेव किया हुआ है उन्हीं को लेकर उन्हीं को मर्ज करके बहुत ब्यूटिफुल सा क्लाज यहाँ पर बना देगा राइट लेकिन आई वुड प्रिफर कि आप अपना खुद का कवर पेज लगाओ सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्टिमाइज कर पाओ अपनी प्रोफाइल को ठीक है चलिए ये मैंने यहाँ पर अपना पिक्चर की जगह पर मैंने अपना लोगो लगा दिया है आप अगर आपके पास लोगो नहीं है तो आप ऐसी कोई इमेज लगाइए जो कि आपके कंटेंट को रिफ्लेक्ट करे आपने या फिर आपके कंटेंट को रिप्रेजेंट करे कि पता चले कि अगर इस प्रोफाइल को हमने फॉलो किया या इस प्रोफाइल पर हम पहुंचते हैं तो हमें बेसिकली क्या मिलने वाला है किस तरह का कॉन्टेंट मिलने वाला है राइट सो चलिए आप जो बेसिक सेटिंग्स थी वो हमें करनी है लाइक प्रोफाइल नेम हमें रखना है डिस्क्रिप्शन हमें खुद का बताना है अबाउट हमें लिखना है तो इससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपने पूरी जो हमारी सीरीज है राइट right? पिंटरेस्ट को लेकर स्पेशली दो तीन वीडियोस तो आपको जरूर देखनी है अगर आपने पिंटरेस्ट कभी भी नहीं यूज़ किया तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल हो सकती है इसमें हमें बिल्कुल स्टार्टिंग से लाइक like, अकाउंट बनाने से रिलेटेड पिटरेस्ट एस तक की भी बात की हुई है तो वो प्ले का डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप प्लीज उसे जाकर चेकआउट कीजिए कुछ भी वीडियो मिस मत कीजिए स्पेशली की वर्ड एनालिसिस एंड पिंटरेस्ट एस एंड हाउ टू ग्रो योर प्रिंट्रेस्ट अकाउंट ये तीन वीडियो तो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है तो पहले वो वीडियो देख लीजिए फिर आप इस वीडियो पे आ सकते हैं सो दैट आपको और भी अच्छी डेप्थ में नॉलेज मिलेगी ठीक है सो अभी हमें अगर नेम चेंज करना है तो हमें एसईओ फ्रेंडली नाम चाहिए तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए की वर्ड की एस हम तब तक नहीं सोच सकते प्रिंटरेस्ट का जब तक हमारे पास की नहीं होंगे ठीक है आप की हम कैसे फाइंड आउट करते हैं मैंने बताया है कि दो तरीके हैं फर्स्ट आप खुद ढूंढ सकते हो अपने की चेक करके कि क्या ट्रेंड हो रहा है किस तरह के जो सर्चेस हैं उसमें क्या वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं और दूसरा तरीका होता है अपने कॉम्पिटिटर्स को ऐसे पर्सन जो आपके जैसा कॉन्टेंट बना रहे हैं उनका कॉन्टेंट फॉलो करो देखो कि वो क्या देखोग यूज कर रहे हैं वहां पर हमें काफी अच्छे की मिल सकते हैं राइट सो चलिए तो सबसे पहले हम रिसर्च ही करते हैं फिर हम आगे मूव करेंगे तो चलिए ब्लॉग्स जैसे हमारा जो काम है हमारा जो बिजनेस है या फिर कह सकते हैं हमारा जो आइडिया है वो ब्लॉग्स का है तो हम ये देखेंगे कि जो बाकी जो बहुत ही पॉपुलर ब्लॉगर्स हैं पिंट्रेस पर वो ऐसा क्या वर्ड पुट कर रहे हैं वो ऐसे क्या की वर्ड्स अपने प्रोफाइल में या अपने नेम में पुट कर रहे हैं जिससे कि उनकी जो रीच है वो काफी अच्छी जा रही है राइट right? जैसे ब्लॉगर्स राइट right? अब यहाँ पर आप अपना स्पेसिफिक तरह के जो ब्लॉग्स हैं जैसे फूड ब्लॉग्स हो गया हेल्थ ब्लॉग्स हो गया फिटनेस ब्लॉग्स हो गया तो इस तरह के ब्लॉग्स भी आप स्पेसिफिक यहाँ पर सर्च कर सकते हैं ठीक है अब जैसे मैं हम मैं हमारी बात करूँ तो हम बेसिकली डिजिटल uh, मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग्स हम बनाते हैं राइट चलिए सो मैं उसी तरह का यहाँ पर सर्च करने वाली हूँ अगर आपके फूड ब्लॉग्स हैं तो आप फूड ब्लॉग्स करके सर्च कर सकते हैं राइट right? सो so मैं यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स करके यहाँ पर सर्च कर रही हूँ राइट चलिए जी सो so यहाँ पर फर्स्ट यहाँ पर मैंने ये देख लिया और यहाँ पर देखिए बिजनेस प्रमोशन करके इन्होंने कुछ लिखा हुआ है उसके साथ ही उन्होंने इनका ये ओवरले अगर आप यहाँ पर देखेंगे टाइटल इनका तो हाउ टू स्टार्ट ब्लॉग इन 2021 टू मेक मनी ब्लॉगिंग ठीक है सो ब्लॉग मुझे की वर्ड मिल गया डेफिनेटली जो हमारा नीच है ठीक है ब्लॉग हो गया ब्लॉगिंग हो गया उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग इन टू ठीक है अगर आप ट्वेंटी में आ जाते हैं तो टू इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं उसके अलावा अगर आप यहाँ पर कीवर्ड जुड़ने की कोशिश करेंगे तो डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी इज अ वर्ड ठीक है स्ट्रैटेजी आप ऐड कर सकते हैं राइट right? सो so, ये सारे की वर्ड ना मैं जॉट डाउन कर रही हूँ वैसे ब्लॉग से रिलेटेड जैसे ब्लॉगर्स ब्लॉग्स ब्लॉगिंग ब्लॉग आइडियाज ब्लॉग टॉपिक्स ये की तो होंगे उसके अलावा जैसे मैं स्ट्रैटेजी एक की वर्ड यहाँ पर ऐड कर दूंगी इसको मैं आगे किसी से भी रिलेट कर सकती हूँ डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी राइट आप अपने अकॉर्डिंग इसको चेंज कर सकते हैं शो, शो, राइट right? है, right? चलिए जी आप जैसे ना मैं सिर्फ और सिर्फ जैसे यहाँ पर ब्लॉग लिखती हूँ तो जैसे मैंने ब्लॉग लिखा तो यहाँ पर जैसे ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स ये वर्ड जरूर मैं ऐड कर सकती हूँ ठीक है सो ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स कुड बी माई की वर्ड ओके चलिए और स्ट्रेटजी को मैं ब्लॉगिंग स्ट्रेटजी लिख सकती हूँ ओके सो ये मेरा की हो गया उसके अलावा अगर मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ब्लॉगिंग टाइप करती हूँ तो मुझे क्या सजेशन मिलते हैं जैसे ब्लॉगिंग टिप्स ब्लॉगिंग आइडियाज राइट सो ये टिप्स और आइडियाज और अगर मैं सिर्फ चेक करूँ सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग लिख के तो ये देखिए ब्लॉग टिप पोस्ट आइडियाज ब्लॉग टॉपिक्स सो ये भी इसीलिए ही मैंने यहाँ पर देख सकते हैं आप ब्लॉग आइडियाज ब्लॉग टॉपिक्स इस तरह के की वर्ड लिए हैं क्योंकि ये काफी ज्यादा ना सजेशन में मुझे आ रहे हैं और सजेशन में वही चीज आती है जो लोग सर्च कर चुके हैं यानी काफी ज्यादा जिनके सर्चेज हुए हैं राइट right? सो so, जैसे आइडियाज आप यहाँ से भी आप सजेशन ले सकते हैं आइडियाज मेक मनी फूड वर्ड प्रेस इंस्टोग्राम ठीक है ट्रैवल ट्रैवल ब्लॉग्स अगर आप बनाते हैं तो ट्रैवल ब्लॉग एक आपके लिए बहुत अच्छा की हो जाएगा राइट तो जो भी आपका जॉन रहे है जिस भी तरह के आप ब्लॉग्स बनाते हैं उस तरह से रिलेटेड आप कीवर्ड्स वर्ड ढूंढिए राइट सबसे पहले अब हमारे पास कीवर्ड्स आ चुके हैं ठीक है सो फॉर द स्टार्टिंग मैं ये कीवर्ड्स वर्ड यहाँ पे यूज कर रही हूँ इसमें मैं अपने ब्लॉग से रिलेटेड कुछ और कीवर्ड्स ऐड कर रही हूँ राइट फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट कीवर्ड हो जाएगा अगर मैं अपना जॉनर रही देखूँ तो सोशल मीडिया मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग ओके सबसे पहले ये जो कॉमन वर्ड जो आपको यूज करना है वो इतने हो जाएंगे ठीक है ये आपके कॉमन हो जाएंगे चाहे आप फूड ब्लॉगर हैं चाहे ट्रैवल ब्लॉगर हैं फोटोग्राफर हैं कोई किसी भी तरह का ब्लॉग लिख रहे हैं तो ये जो मैंने जो सेलेक्ट किए हुए हैं ना ब्लॉग्स ये जो की वर्ड ये तो आपके यूज होंगे उसके अलावा आप अपने जॉनडरे के अकॉर्डिंग यहाँ पर की वर्ड्स कर सकते हैं फूड है तो फूड ब्लॉगर इंडियन फूड ब्लॉगर राइट स्ट्रीट फूड ब्लॉगर तो इस तरह की से आप चीजें ऐड कर सकते हैं राइट ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं तो आप कंट्री वाइज सिटी वाइज माउंटेन्स बीचेस इस तरह के की वर्ड एड कर सकते हैं राइट right? लेकिन मैं यहाँ पर अपने जॉनरे के अकॉर्डिंग कर रही हूँ ठीक है चलिए जी सो so ये मेरे कुछ यहाँ पे सफिशियंट की हो गए हैं ये टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं तो आप इन पर नजर रखिएगा ओके okay. अच्छा अब मैं ना आपको एक चीज बताने वाली हूँ एक और तरीका जो कि जब थोड़ा सा आप अकाउंट अपना बिल्ड कर लोगे ना तो ये फीचर वैसे हर अकाउंट में आ जाएगा लेकिन अभी बहुत ही रिसेंटली हमने अकाउंट बनाया अभी कुछ दो चार मिनट पहले ही तो इसलिए यहाँ पर नहीं है लेकिन जो हमारा मेन अकाउंट है डब्ल्यू एस का वहां पर वहां से ये मैं इंफॉर्मेशन निकाल रही हूँ ठीक है अब ये यहाँ देखते हैं ये देखो जैसे ही आप जाओगे एनालिटिक्स में एनालिटिक्स में आप ऑडियंस पे जाओगे राइट ऑडियंस इनसाइट्स पर ये मैं सारी चीजें ना एस वाले वीडियो में बता चुकी हूँ तो यहाँ पर ऑल पिंट्रेस्ट यूजर्स वाला जो सेक्शन है वहां पर आपको दिख जाएगा कि पिंट्रेस्ट की जो टोटल ऑडियंस है उनको किस तरह का कॉन्टेंट देखना पसंद है राइट right? जैसे होम डेकोर राइट फूड एंड ड्रिंक्स आर्ट ब्यूटी डी अगर आपने ना अभी तक ये भी चूज नहीं किया है ना कि किस तरह के ब्लॉग्स आपको लिखने हैं तो आप यहाँ से एक कह सकते हैं हम यहाँ से आप आइडिया ले सकते हो या यहाँ से राइट right? जैसे होम डेकोर से रिलेटेड आप कुछ ब्लॉग्स लिख सकते हो पिक्चर्स पोस्ट कर सकते हो आइडियाज पोस्ट कर सकते हो फूड एंड ड्रिंक्स से रिलेटेड फूड एंड ड्रिंक से रिलेटेड लोगों को बहुत ज्यादा सर्च करना पसंद है पिंट्रेस्ट पर और अगर इनमें से एटलीस्ट इन फाइव सिक्स कैटेगरीज में से आप ब्लॉग कुछ लिखते हो ना इनसे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन देते हो सो आई थिंक पिंट्रेस्ट इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म क्योंकि सबसे ज्यादा ये होम डेकोर के लिए यूज होता है फर्नीचर के लिए यूज होता है आपके फूड एंड ड्रिंक्स आइडियाज के लिए रेसिपीज के लिए यूज होता है तो इफ़ यू आर अ स्पेशली अ फूड ब्लॉगर तो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म फॉर यू ठीक है so, सो यहाँ से आपको आइडियाज मिल जाएंगे कि बेसिकली हमें किस डायरेक्शन में काम करना है ओके सो so, चलिए वापस चल लेते हैं हम हमारे अकाउंट्स पर ठीक है चलिए जी अब हम जल्दी से सीख लेते हैं पिन करना राइट और पिन में हम किस तरह से अपने कीवर्ड्स ऐड करेंगे लेकिन सबसे पहला जो स्टेप हमारा होगा कीवर्ड्स हमें मिल गए कीवर्ड्स से भी कीवर्ड्स का यूज हम कहा पर करने वाले हैं हमारे प्रोफाइल नेम में और हमारे डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं बोलती हूँ कि मेन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं प्रिंटरेस्ट पर जो आप कंट्रोल नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल इस वेबसाइट का इंटरफेस जो है वहां पर आप कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते इसकी सेटिंग्स नहीं चेंज कर सकते लेकिन आप अपने प्रोफाइल की सेटिंग्स कर सकते हो तो वो सेटिंग्स वाले वीडियो है प्रिंट्रेस सेटिंग्स वो जरूर जाके देखिएगा वहां पर मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं किस तरह से आप वेबसाइट दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कनेक्ट कर सकते हो पिंटरेस्ट से तो वो वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब ये जो मैंने की वर्ड यहाँ पर लिखे थे ना इन की में से जो मेजर की हैं, कुछ दो या तीन की वो मैं अपने प्रोफाइल नेम में डालने वाली हूँ जैसे डब्ल्यू एस क्यूबेक ब्लॉग्स राइट सो मैं इसमें कुछ ऐड करने वाली हूँ जैसे ब्लॉग आइडियाज क्योंकि ये काफी पॉपुलर मुझे लगा पिंट्रेस पर सो ब्लॉग आइडियाज मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ उसके अलावा मैं यहाँ पर कर रही हूँ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ओके सो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो हमारा एक कह सकते हैं की वर्ड हो जाएगा तो जिससे इससे क्या होगा कि जो भी पिंटरेस्ट इवन पिंटरेस्ट का क्रॉलर है या फिर हमारे कोई भी ऑडियंस है उसको पता चल जाएगा कि अगर हम इनको फॉलो करते हैं या हम इनका कंटेंट देखते हैं तो हमें किस तरह का कंटेंट बेसिकली मिलने वाला है यहाँ पर आप एक डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में आप जिस भी तरह के ब्लॉग्स बना रहे हैं उससे रिलेटेड आपको कीवर्ड्स ऐड करने हैं इंक्लूडिंग दीज ठीक है ये सारे चीजें ऐड करनी है उसके अलावा जिस भी तरह का आप कॉन्टेंट क्रिएट करेंगे उस तरह का डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है ओके सो so यहाँ से आप अपना नेम और डिस्क्रिप्शन चेंज कर सकते हैं इस तरह से चेंज कीजिए जो हमने कीवर्ड्स निकाले हैं जो भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं वो आपके यहाँ पर इंक्लूड हो जाए अभी एक इस तरह से हमने अपनी प्रोफाइल जो है उसको ऑप्टिमाइज थोड़ा सा कर दिया है राइट जैसे मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग्स ब्लॉग आइडिया सोशल मीडिया मार्केटिंग ये लिखा है आप टोटली बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर एड करके एक अच्छा सा क्रिएटिव डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं राइट सो मेन चीज ये याद रखनी है कि प्रोफाइल में आपके प्रोफाइल नेम में और आपके डिस्क्रिप्शन में जरूर आपके कीवर्ड्स ऐड होने चाहिए जो भी कीवर्ड्स हमने यहाँ पर निकाले हैं ठीक है अच्छा जी चलिए अब ना मैं एक और चीज करने वाली हूँ कुछ और कीवर्ड्स यानी जो हमारे कंटेंट के लिए कीवर्ड्स होंगे ना वो मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ राइट जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप किया ब्लॉग्स ओके ब्लॉग्स राइट चलिए सो यहाँ पर ऑल पिंस कर देती हूँ right, जैसे इस तरह से हमारे यहाँ पर ये पोस्ट आ गया इस पोस्ट को अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर ये जो पोस्ट है ये क्लीन ईटिंग रेसिपीज एंड हेल्थी लाइफ स्टाइल यानी हेल्थ और कहीं ना कहीं रेसिपीज यानी फूड ब्लॉग ब्लॉग है ये और क्योंकि मुझे इसके नेम से ही पता चल रहा है राइट right? चलिए अब यहाँ पर मैं एक और चीज देखती हूँ ये जो फोल्डर यानी ये जो बोर्ड बना हुआ है पिन बोर्ड बना हुआ है वो भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो जो भी आप पिन करें जो भी आप पोस्ट करें उसे रिलेवेंट बोर्ड में भेजना रिलेवेंट बोर्ड में सेव करना कितना ज्यादा जरूरी है ये मैं प्रीवियस वीडियोस मतलब सारी वीडियोस में भी डिस्कस कर चुकी हूँ so देखिए अगर मैंने यहां पर ब्लॉग टॉपिक्स सर्च किया तो यहाँ पर मुझे ब्लॉगिंग वाला ही बोर्ड दिखा रहा है सो दिस कुड बी अ थिंग ओके okay, और सबसे बड़ी बात जो आप इमेज यहाँ पर पोस्ट कर रहे हैं ना स्पेशली फॉर द ब्लॉग्स आई डोंट रिकमेंड इट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ब्लॉग बट हर तरह के प्रोफाइल के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगी लेकिन ब्लॉग्स जो होते हैं ना उसमें आप इस तरह से जो ये जो टेक्स्ट ओवरलेड इमेजेस होती हैं यानी ये इमेजेस हैं इन पर टेक्स्ट जो है वो लिखा हुआ है तो इस तरह की इमेजेस आप ज्यादा से ज्यादा पोस्ट कीजिए और अपना जो वेबसाइट का लिंक है अपना जो ब्लॉग का लिंक है वो वहां पर अटैच कर दीजिए तभी आपको बहुत अच्छी ग्रोथ मिलेगी राइट right? एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर कि आपको जो ये टू टू थ्री वाला जो मैंने आपको चीज बताई थी कि ज्यादा से ज्यादा आपको वॉल कवर करनी है उसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा राइट इस तरह से आप देखिए सारे के सारे ये थ्री टू 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 थ्री में हैं तो ये चीज आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी है कि हमें ज्यादा से ज्यादा ना टाइम क्रिएट करनी है जो हमारा कॉन्टेंट क्रिएशन वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप और भी एप्लीकेशन यूज करके कैनवा की मैंने बात की है तो कैनवा का यूज करके किस तरह से आप इस तरह के जो पिक्चर्स हैं वो बना सकते हैं और उनको अपने ब्लॉग के साथ में अटैच कर सकते हैं चलिए अब जल्दी से ना हम एक पिन क्रिएट करेंगे ये पिन जो था ये आप कैनवा पर बना सकते हैं अगर आपकी टीम है बहुत बड़ी या फिर आप कहीं से जो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं वो भी हायर कर सकते हैं राइट सो so, इसीलिए हम कहाँ जाने वाले हैं डायरेक्ट हम पोस्ट पर जाने वाले हैं ऑलरेडी यहाँ पर मेरे पास कुछ पिक्चर्स ऑलरेडी सेव्ड हैं ओके जो हमारे ब्लॉग से रिलेटेड है जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक ब्लॉग का पिक्चर है ओके अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है जब भी मैं ब्लॉग्स की बात कर रही हूँ और ब्लॉगर्स जब भी यूज करते हैं प्रिंट्रेस तो उनके लिए सबसे बड़ा जो एडवांटेज होता है वो ये होता है कि वो ये यह यहाँ पर अपने ब्लॉग का लिंक अटैच कर सकते हैं राइट सो अभी अभी मैं यही करने वाली हूँ डब्ल्यू एस क्यू टेक ब्लॉग जो हमारी वेबसाइट है वहां पर मैं जाऊंगी और अपना जो भी ब्लॉग मुझे यहाँ से रिलेवेंट मुझे लगता है वो मैं यहाँ पर पुट करने वाली हूँ राइट right? जैसे काफी सारे हमारे ब्लॉग्स हैं सो वाई लर्न डिजिटल मार्केटिंग सबसे रिलेवेंट मुझे लग रहा है तो इसीलिए मैं इस पर क्लिक करूंगी ठीक है पूरी वेबसाइट आप डायरेक्ट मत कीजिए आप पर्टिकुलर किसी सेक्शन वेबसाइट के किसी पेज को भी यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हो राइट सो so, ये मेरा एक ब्लॉग है यहाँ पर काफी सारे इन्फॉर्मेशन गिवेन है मैं चाहती हूँ कि लोग इसको पढ़ें तो मैं इसका जो लिंक है इस पर्टिकुलर ब्लॉग का नॉट कंप्लीट वेबसाइट इसको मैंने कॉपी किया और इधर एट डेस्टिनेशन लिंक में मैं यहाँ पर पेस्ट कर रही हूँ राइट टाइटल आपको आई डोंट थिंक बताने की जरूरत है कि जो भी आपने की वर्ड यहाँ पर यूज किए हैं उनमें से जो आपका कंटेंट है वो रिलेटेड और इनमें से एक दो कीवर्ड्स आप चूज कर लीजिए राइट तो हम एक अच्छा सा यहाँ पर टाइटल लिखेंगे जैसे ये डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड एक वो मतलब हमारा पोस्ट है तो हम वही यहाँ पर लिखने वाले हैं लाइक डिजिटल मार्केटिंग ओके डिजिटल मार्केटिंग एंड ये ब्लॉग है तो हम इसमें क्या लिखने वाले हैं ब्लॉग डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग और यहाँ पर टिप्स एंड ट्रिक्स राइट right? टिप्स एंड ट्रिक्स हम लिख सकते हैं जिस भी तरह का मेरा कंटेंट है आप उस तरह से यहाँ पर पुट कर सकते हैं चलिए सो ये so, यहाँ पर कुछ हमारी आ, एक आ गई हमारा टाइटल आ गया टाइटल के अलावा आप डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं डिस्क्रिप्शन आप कुछ भी एक्स वाई जेड लिख सकते हैं जो भी आपके कंटेंट से रिलेटेड है मेक योर sure कि वहाँ पर कीवर्ड्स हम ज्यादा यूज करें सो so, ये जो मेरे कीवर्ड्स हैं ये मैं यहाँ पर ले जाकर इधर पोस्ट कर देती हूँ ठीक है थीके? और इन सबको सेपरेट कर दूंगी लाइक कॉमा से या फिर इस तरह से भी आप सेपरेट कर सकते हैं ठीक है ये मेरे कुछ जो फ्रेजेस हैं वहां पर मैंने उनको डिफ्रेंशिएट कर दिया चलिए जी तो ये मैंने यहाँ पर एक टाइटल लिख दिया डिस्क्रिप्शन लिख दिया और उसके साथ में जो कीवर्ड फ्रेजेस थे राइट वो मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और उन्हीं कीवर्ड फ्रेजेस को मैंने हैशटैग्स में भी कन्वर्ट कर दिया ठीक है सो so, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है मैंने हमारी जो वीडियो थी की वोर्ड एनालिसिस वाली उसमें भी मैंने बात की थी उसके अलावा जो एस वाला पार्ट था उसमें भी यही बात की थी कि की और हैशटैग्स को एक साथ यूज कीजिए इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है राइट right. अब ऑल टेक्स्ट डालना बहुत ज्यादा जरूरी है ऑल टेक्स्ट में हम सिंपली ये क्या है डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कोर्स है राइट right. तो हम यही पुट करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ओके okay? सो so, ये मैंने ऑल ऑलटेक्स यहाँ पर ऐड कर दिया ऑल ऑलटेक्स की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये मैंने बात की है हाउ टू पिन वाले सेक्शन में तो वहां पर आप देख सकते हैं अभी यहाँ पर मैं इसको किस सेक्शन में ऐड करूँ ठीक है so, सो मैं यहाँ पर करने वाली हूँ डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग नाम से मैंने यहाँ पर एक बोर्ड बनाया और मैं इसी में सेव करने वाली हूँ मेरा ये वाला पोस्ट ठीक है जैसे मैंने क्या बताया आपको सबसे पहले प्रोफाइल नेम में अपना की डालने हैं उसके बाद में डिस्क्रिप्शन में उसके अलावा जो आपका पिन है यानी आपका जो पोस्ट है उसके टाइटल में की होने चाहिए उसके डिस्क्रिप्शन में होने चाहिए और लास्ट चीज कि जो आपका बोर्ड है वो रिलेवेंट होना चाहिए अगर अगर पिनट्रिस्ट का जो सर्चिंग प्लेटफॉर्म है ना जो एल्गोरिथम है वो इस तरह से वो सारी चीजों को कंसिडर करता है तो मेक श्योर sure आपका पिन सही हो पिन का टाइटल सही हो पिन का डिस्क्रिप्शन सही हो और उसके अलावा आप जिस बोर्ड में भी पिन को पब्लिश कर रहे हैं पोस्ट कर रहे हैं वो सही होना चाहिए रिलेवेंट होना चाहिए तो मैंने क्या किया डिजिटल मार्केटिंग ब्लॉग क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ये बोर्ड है तो मैंने इसको इसी में ही पब्लिश करना है ठीक है सो जब ये हमारा पोस्ट हो जाएगा तो आप देखेंगे कि किस तरह से वो जो हमारा लिंक था यानी डायरेक्ट जो लिंक कर रहा था किसे इस पिंटरेस्ट को और हमारी वेबसाइट को वो यहाँ पर बहुत ही विजिबल हो जाएगा देख सकते हैं आप चलिए तो इस तरह से ये हमारा पोस्ट जो है बाकी सबकी टाइम लाइन्स पर या फिर उनके ऑप्शन में दिखेगा सो so, देखिए ये हमारा एक पोस्ट हो गया जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया क्या खुला मेरा वो ब्लॉग ठीक है और यहीं से ही आपको क्या मिलेगी फ्री रीच मिलेगी ऑर्गेनिक रीच मिलेगी सो so, किसी भी तरह का आपका ब्लॉग है आई डोंट मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह का आपका ब्लॉग है तो आप उसको क्या कर सकते हैं यहाँ से जो बहुत सारी ऑडियंस है बहुत सारे लोग हैं वो अपनी वेबसाइट पर लेके जा सकते हैं और पिंट्रेस से जो कन्वर्जन रेशो होता है राइट जो वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आता है पिंट्रेस का ट्रैफिक वो बहुत ही हाई है राइट बहुत ही इजीली कन्वर्ट आप कर सकते हो जस्ट ये थोड़ी सी टिप्स आपको यूज करनी है हमारे खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं हमारे कई क्लाइंट्स के कि हमने जब उनके लिए मार्केटिंग की तो सबसे ज्यादा जो उनकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आया ना वो पिंटरेस्ट से आया यानी ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक सबसे ज्यादा पिंटरेस्ट so से आया राइट सो इसीलिए एज अ ब्लॉगर अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं फूड ब्लॉगर हैं कुछ कुछ आइडियाज कुछ एजुकेशन रिलेटेड आप शेयर कर रहे हैं हेल्थ रिलेटेड फिटनेस रिलेटेड सो दिस कुड बी अ परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू राइट यहाँ पर हमने कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डिस्कस की जिससे आप जो ब्लॉग्स हैं उनको इम्प्रूव कर सकते हैं और यहाँ पर आपको मेन जो चीजें रखती है ना अपनी जो इमेज क्वालिटी है जो भी आप पिन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी का ध्यान रखना है अपने की का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है और आप बहुत अच्छा ट्रैफिक अपनी वेबसाइट पर लेकर जा सकते हो तो ये था हमारा एक वीडियो जिसमें बात की हमने कि आप एक ब्लॉग एज अ ब्लॉगर अपनी वेबसाइट को पर किस तरह से रीच लेकर जा सकते हैं थ्रू प्रिंटर्स। आई होप कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो से सीखा होगा इफ दिस वीडियो वॉज यूजफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो अकाउंट बनाने से लेकर कीवर्ड एनालिसिस तक तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड थैंक यू सो मच